जय श्री कृष्णा। शुभ जर्नी हिना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी नेक्स्ट थर्ड ग्यारस थी और आज हम सब जा रहे हैं। आज हमारा बहुत बड़ी बस हुई है तो इसमें 105 लेडीज से हो गई है। ये मेरे भाभी सिस्टर है और हम यहाँ फर्स्ट में, और जैसे हम यहाँ उदयपुर से निकले, यहाँ एकलिंग जी के यहाँ पर सुरंग आई थी तो काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ का। और ये नहीं, इसके साथ एक बस और भी है तो इतनी सारी लेडीज हम थी। और हम काफ़ी दूर जयपुर, जोधपुर के आसपास में जो घिसियार गांव है, सबसे बड़े जो मंदिर है श्रीनाथ जी, हम वहाँ के लिए जा रहे हैं। और हमने बीच में बहुत सारे दर्शन किए और मॉर्निंग से लेके ना शाम तक हमने यहाँ पर अलग अलग जगह हमने दर्शन करके और बहुत ही इंजॉय किया। ये सब हमारे ही है, इसमें सारी कास्ट है, हमारे कास्ट के भी हैं, कुछ राजपूत भी है और कुछ ब्राह्मण, सारी कास्ट जो है सब सम्मिलित होकर हमने यहाँ ग्रुप में ऐड हुए हैं। और ये सोचा नहीं था इन्होंने भी और हमने भी कि ऐसे कर करके हम इतने जने हो जाएंगे। और काफ़ी इंजॉयफुल रहा ये है। और यहाँ पर भी हम सब जने बाहर गए, ये हमारे भाभी जी और हम ये सब गीत गा रहे हैं और इन्जॉय ले रहे हैं। और आज सबका उपवास रहता है, यहाँ पर सब नीलहा रहता है तो कुछ थोड़ा मैंने भी यहाँ पर कर रहे हैं ईद का। और जो कुछ ऐड होता है वो कर सकता है क्योंकि परत बीच में बहुत परेशान करता है तो ये बहुत चीज़ें नहीं करने देता है। और इसके बीच में ही श्रीनाथ जी के मंदिर भी गए थे हम, और गणेश जी के मंदिर गए थे, राम लक्ष्मण जी के यहाँ पर गए थे हम, और बहुत सारे 5 दर्शन किए थे। और जो जो मुझसे है इसमें मैं आपको दिखाऊंगी, और एक इसके बाद भी एक ब्लॉग और भी नेक्स्ट आएगा तो आप देखते रहना और वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पूजा सेम वही होती है, जो हर बार जो पूजा होती है वो अलग अलग मंदिर में होती है तो ये हमारे ठाकुर जी अलग अलग मंदिर में हम यही सेम पूजा रखते हैं। जैसे वो मटकी में वही माखन चढ़ाते हैं, वो सबकी जो होती है चावल वो सारे एक में इकट्ठ करके वो सब मिलके पूजा करते हैं और फिर वो प्रसाद बांटते हैं और वही व्रत चढ़ाते हैं भगवान के। तो काफ़ी अच्छा व्यू था। और ये हमारे भाभी जी है जो सब डांस कर रहे हैं। और इसके साथ एक बस और भी है, वो हमसे पीछे हैं, वो भी है। तो इस बस में मैं थी तो मैंने सारा इसका, इस बस का व्यू लिया है। और हमारा सबका था सब इकट्ठ होकर एक फ़ोटो लें, बट ऐसा मौका मिल नहीं रहा था क्योंकि सब भीड़ बहुत थी और वही है, सब इकट्ठे एक साथ हो नहीं पाए। तो कुछ कुछ व्यू में है, जैसे हम कहीं खाना खा रहे हैं तो सारी लेडीज़ एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो काफ़ी दूर था घिसियार और ये आप देख सकते बाहर का व्यू है। तो ये बस हमारी थी और एक बस ये आ रही है येलो वाली, ये हमारे साथी थी। तो ये सारी लेडीज़ थी। तो यहाँ से यहाँ का मार्केट चालू हो गया था और काफ़ी अच्छा मौसम था उस दिन। यहाँ पे टॉयज़ थे और परम इस टॉयज़ को देख के परेशान करने लगा था मुझे। और ये आ गया है एंट्री, ये तो हमारे साथ 5 जेंट्स भी थे, हमारे नंदोई जी और जेठ जी सब थे, तो हमारे साथ ये भी थे। तो ये हम चल रहे हैं अभी, तो जितना हो सका उतना ग्रुप में उतना फ़ोटो ले पाई हूँ मैं वो लिया। यहाँ पर 2 एलिफेंट हाथी बने हुए थे और बहुत ही अच्छा 4 भुजा श्रीनाथ जी का मंदिर था यहाँ पर। और आप देख सकते हो यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था, बहुत ही प्यारा। सामने मूर्तियाँ थी और अंदर बिल्कुल फ़ोन भी अलाउ था, फ़ोटो वगैरह लेने दे रहे थे, फ़ोटो हमारा फ़ोन जमा नहीं किया, बल्कि श्रीनाथ जी में तो हमें कोई भी वीडियो नहीं बनाने दिया, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी पाबंदी नहीं थी, आराम से हम फ़ोटो ले पा रहे थे।
और बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर का डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पर फ्लावर से, मालाओं से। तो ये हम सब यहाँ पर प्रसाद लेके हम यहाँ पर सब खड़े हैं और आराम से मैं यहाँ तक लिया और फिर बाहर हम सब चौक में ये सारी लेडीज़ जो है वो सब हमारे साथ बैठे तो ये सब पूजा कर रहे थे, सेम वही पूजा। और यहाँ पर तुलसी जी का पौधा था और इस तरीके से बहुत ही सुंदर फिनिशिंग से यहाँ पर वर्क किया हुआ है, इसका पूरा शिल्पकारी की गई है। और यहाँ पर जैसे दाने भी डाले हुए हैं जानवरों के लिए। यहाँ का ऊपर का बहुत अच्छा व्यू था, ऊपर हमने फ़ोटो शूट किया, वीडियो बनाई रील्स में और बहुत ही अच्छा, बहुत शिल्पकारी, बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई थी। और मैंने भी ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगी मुझे भी, और आप देख सकते हैं फैन भी लगे हुए और ये सारे राजा महाराजाओं की सारे फ़ोटो बने हुए थे इसमें। कृष्ण भगवान किस तरीके से गोपियों के साथ रहते थे, किस तरीके से उनकी रास लीला होती थी, वो सारा 26 में दर्शाई हुई है इन सारी पेंटिंग्स में। और ये नरसिंगा प्रहलाद ने कैसे उसका वध किया था, और ये सब विष्णु भगवान की पेंटिंग्स। और ये सारी इसमें श्रीनाथ जी के अलग अलग रूप देख बताए हुए, चार भुजा जी, एकलिंग जी, द्वारकाधीश श्रीनाथ जी, ये सारे ही मंदिर पासिक में हैं। और बताया जाता है श्रीनाथ जी यहाँ पर आए थे, पर श्रीनाथ जी को फिर यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, फिर वो नाथद्वारा श्रीनाथ जी के वहाँ चले गए। कुछ इस तरह की कहानी है इसकी भी। और सेम इसके सामने ही बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा था और बहुत ही प्यारा था। ये कुछ लेडीज़ यहाँ फ़ोटो शूट भी कर रही थी, हमने भी किया था, तो बहुत ही इन्जॉय लिया हमने यहाँ पर। और फिर हम ये मार्केट से बाहर निकल गए थे और फिर हमने उस समय कुछ शॉपिंग नहीं की थी। फिर इसके बाद हमने टॉयज़ वगैरह, ये कुछ कृष्ण भगवान की ड्रेसेस हमने सब ये ली थी। और ये सब लेडीज़ जैसे जैसे सारा दर्शन करते हुए निकलते जा रहे थे। यहाँ पर बहुत ही अच्छे ठाकुर जी की ड्रेसेस सब मिल रही है हमारे बुआ और मेरे सिस्टर। तो इसके बाद भी एक और भी ब्लॉग आएगा और नेक्स्ट 11 के जैसे ही जैसे जो 11 आएगी उस सारे हमारे ब्लॉग आते रहेंगे। और ये हमने यहाँ पर फ़ोटो शूट किया ऊपर, बहुत ही अच्छा था और ये काफ़ी सुंदर मंदिर था और यहाँ पर सबने फ़ोटो वगैरह शूट कराया था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप उसे भी फॉलो कर देना। और ऐसे नए न्यू लेटेस्ट वीडियो नए आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।